एक थी रानी, प्यार हुआ और खत्म कहानी। एक वक्त था जब यही बॉलीवुड की फिल्मों का बेसिक प्लॉट होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल सिनेमा के पर्दे पर छा रही है छोटे शहर की बड़ी कहानियां। ऐसी एक कहानी के चेहरे से रूबरू होंगे हम निधि कुलपति के साथ। फरान प्लीज का। हाँ बिल्कुल आइए आइए आइए। सभी को एक बार फिर से इस तरह की शख्सियत फरहान अख्तर को तारुफ के बिल्कुल मोहताज नहीं है, लेकिन जब इतना हुनरमंद कोई शख्सियत हो तो उनकी तारीफ बहुत जरूरी हो जाती है। हनी रानी जावेद अख्तर के बेटे हैं, मशहूर लिरिसिस्ट ये लोग रहे हैं, साथ ही जानिसार अख्तर के पोते हैं, माफ़ कीजिए ये थोड़े से पल के लिए जो मैं रुकी, और साथ ही मजाज लखनवी इनके वालिद के मामू राय। इन सारी चीज़ों में मेरी कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन इससे इनकी विरासत हमें पता लगती है, तो जो एक विरासत इनमें है वो तो हम सबके सामने है, लेकिन फिर जो हमने देखा आपकी शख्सियत में, ये डायरेक्टर बन गए, कंपोजर बन गए, सिंगर बन गए, डांसर तक बन गए, और अभी मैं कुछ देर पहले तक ऊपर थी तो गिटार का कुछ चाहिए था वो नहीं था, तो बहरहाल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स ये प्ले करते हैं कि तमाम मूवीज़ में हमने देखा है। तो जब इतने हुनरमंद आप इंसान रहे हैं और तरह तरह की आपने फिल्में की हैं, दिल चाहता है आपकी पहली फिल्म जिस तरह से आपने उसे लिखा और आपने उसे डायरेक्ट किया, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में हमने आपको एक्टिंग और डांस करते देखा, साथ ही रॉक ऑन, भाग मिल्खा भाग, तमाम ऐसी फहरिस्त लंबी है, दिल धड़कने दो। अब एक नई आपकी फिल्म आ रही है लखनऊ सेंट्रल, इसमें क्या खास देखने को मिलेगा? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, एनडीटीवी के सारे लोग और जिन्होंने भी मुझे यहाँ इनवाइट किया, और आप सब जो यहाँ आज बैठे हैं, थैंक यू वेरी मच। इस फिल्म की खासियत ये है, जिन फिल्मों के नाम आपने लिए इसके पहले, जो मैं हमेशा मतलब एक कोशिश करता हूँ वो यही है कि कुछ ऐसी कहानी पे काम किया जाए जो एक नई किस्म की कहानी हो, एक ऑडियंस के लिए दिलचस्प हो, एंटरटेनिंग हो, मगर माइंडलेस एंटरटेनमेंट ना हो। उसमें कुछ एक ऐसी नींव होनी चाहिए या कुछ ऐसा एक मैसेज होना चाहिए जो ऑडियंस अपने साथ वापस घर ले जा सके, वो एक इंस्पिरेशन के मोड में हो या किसी सोशल रेलेवेंस के मोड में हो, टू मी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस फिल्म में जो मुझे एक अच्छी बात लगी जब मैंने कहानी सुनी थी वो ये थी कि एक डायलॉग भी है इस फिल्म में कि बंदे बंद हो सकते हैं, बंदे कैद हो सकते हैं, सपने नहीं। तो वो लाइन डिस्क्राइब्स दिस फिल्म फॉर मी रियली रियली वेल, कि ये जो कैरेक्टर है किशन मोहन गिरहोत्रा, जो हु यू कैन सी बिहाइंड मी, ये मतलब एक भोजपुरी फिल्मों में म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहता है, तो ये उसका सपना है, और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ हालात ऐसे होते हैं जो अपने आप को जेल में पाता है, लेकिन वो उम्मीद जो है कि ये मेरा जो एक सपना है वो किस तरह से एक अलग तरीके से पूरा करता है इस जेल के माहौल में रहकर, वो है इस फिल्म की कहानी। और इसे जब मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि हम सब जो हैं अपने आप के लिए कुछ उम्मीदें रखते हैं, कुछ सपने हैं हम सब के, अलग अलग फील्ड्स में हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि हम उन सपनों को पूरी तरह उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से हमने चाहा था या हमने सोचा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस उम्मीद को छोड़ दें या उस सपने को भूल जाएं, क्योंकि दैट वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अस। अगर वो सपना आप भूल जाओगे तो फिर वो कभी मायने का था ही नहीं, और अगर मायने का है तो कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में, यू विल ट्राई योर बेस्ट टू अचीव इट। सो दैट्स व्हाट दिस फिल्म इज़ अबाउट। बिल्कुल, अभी तक जो आपकी फिल्म्स थी बड़े बड़े शहरों, इंटरनेशनल सीन्स में, लोकेशंस में होती थी, लेकिन हाल में हमने देखा किस तरह से आप इस फिल्म में मुरादाबाद से आए हैं, हाँ छोटे शहर से, और इस सेशन का नाम है छोटे शहर की बड़ी कहानियाँ। अब एक फिल्म है बरेली की बर्फी, हमने एक मूवी देखी किस तरह से हरिद्वार में बेस थी, एक कानपुर से बेस थी, तो अब छोटे छोटे शहरों पर
मूवीज बनाई जा रही हैं, केंद्रित वहाँ के लोकेशंस हैं, इसको आप कैसे आंकते हैं? क्या ये ज़रूरत आ गई है? ये कैसा शिफ्ट है? मेरा ये मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो चीज़ें हैं, जो कहानियाँ लोग पेश करते हैं या फिर ऑडियंस देखना पसंद करती है, वो एक तरह की एक साइक्लिक फॉर्मेट होता है उसका, और एक एवोल्यूशन भी है उसमें. तो इस वक्त जो है, और ये अच्छी बात है कि हमारी ऑडियंस जो है, हमारे जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने लोगों के बारे में बात करें. वो चाहते हैं कि हम हमारे इश्यूज़ के बारे में बात करें. कुछ 10 साल पहले एक NRI का ज़माना था, सब चाहते थे कि मतलब लव स्टोरीज बहुत पॉपुलर थी, सब ये देखना चाहते थे कि अभी रोमांस अगर है तो किस तरह से उसे पेश किया जा सकता है, और एक फैंटेसी की दुनिया मतलब बनती चली गई. उस फैंटेसी से शायद इस वक्त लोग ऊब गए हैं थोड़ा बहुत, और वो चाहते हैं कि हम अब कुछ अपने बारे में सीखें, कुछ अपने बारे में जो इश्यूज़ हैं हम एक दूसरे से शेयर करें. और इतने सारे राइटर्स, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जो हर किस्म के इंसान को एक्सेप्ट करती है अगर उसका काम अच्छा हो. आपने देखा जिस तरह से आपकी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा थी, इंटरनेशनल लोकेशंस होती थी जो आप जिक्र कर रहे थे, और हीरो चाहे देश में बनी हो मूवी तो हीरो ज़रूर स्विट्ज़रलैंड या कहीं ज़रूर जाकर उन वादियों में गाना गाता था. लेकिन हाल में एक जैसे बरेली की बर्फी बनी या और मूवीज़ हैं आपकी जिस तरह से लखनऊ के जेल में बनी, उस लिहाज से ये जो लोकेशन पर अब कॉम्प्रोमाइज़ कहेंगे, या ये इकोनॉमिक ज़रूरत आ गई हमारी इंडस्ट्री की, या फिर मैसेज में रीच, क्योंकि जो एक क्षेत्रीय बच्चा है, लड़का है, युवा है, या जो लोग हैं बरेली में बसते हैं या कानपुर में बसते हैं, हरिद्वार में बसते हैं, उन तक अब ज़रूरी नहीं है कि बरेली को पूरा उत्तर भारत या पूरा भारत जानता हो, लेकिन उस पर एक कदम लेकर एक पूरी मूवी उसी के नाम पर बना देना, या जैसे दम लगा के हरिद्वार में ही बेस कर देना, तो वट इसके पीछे क्या आर्थिक नज़रिया है, या इट इज़ सेलिंग मोर, क्या है इसके पीछे? नहीं, इसके सेलिंग के बारे में नहीं है. मेरे ख्याल से ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये जो एवोल्यूशन होता है स्टोरी टेलिंग का या किसी भी इंडस्ट्री का, ये धीरे धीरे होता है, ये ओवरनाइट तो होता है नहीं. और जैसे मैं कह रहा था कि इस वक्त मुझे लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में जब ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि जो आइडियाज़ है उसकी कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं से कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री में एंटर होंगे. तो एक वक्त था जब बहुत से लोग दिल्ली से फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, डायरेक्टर्स, राइटर्स. तो इतनी फिल्में कुछ 2-3 साल के लिए बनी, अगर आपको याद होगा, कुछ 3-4 साल पहले, जो दिल्ली में बेस्ड थी, बहुत सारी फिल्में यहाँ पर, मतलब एक वक्त में 15-15 फिल्में शूट हो रही थी दिल्ली में. अब दिल्ली के स्टोरी से शायद लोग थोड़े बोर हो गए हैं, तो देर लुकिंग टू अदर प्लेसेस. और अब ऐसा ही हो रहा है कि UP से राइटर्स आ रहे हैं, बिहार से राइटर्स आ रहे हैं, राजस्थान से राइटर्स आ रहे हैं. तो जब वो आते हैं तो उनके जो स्टोरीज हैं, उनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं, वो यही हैं, क्योंकि उन्होंने यही सब देखकर मतलब वो सीखे हैं अबाउट देयर सोशल एनवायरमेंट, और अब वो सब कहानियों में पेश हो रहा है. एंड आई थिंक वी आर जस्ट वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग, वी गेट टू इंटरेक्ट विद दीज पीपल विद देयर फ्रेश आइडियाज़, and we get to collaborate with them and help them bring their idea to screen, and also they help us to reinvent ourselves as artists. बिल्कुल. फरहान, आप मुंबई में पले बड़े, और जब आपकी विदेशी लोकेशंस में बार बार कह रही हूँ, आप गए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और रॉक ऑन की जो थीम थी मॉडर्न अर्बन बॉय, यू हैव बीन अ मॉडर्न अर्बन बॉय, जिस तरह से आपके गाने भी रहे हैं, भाग मिल्खा भाग अलग थी, उसमें आपने पूरा अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है. कितना मुश्किल था या कितना चैलेंजिंग था आपके लिए लखनऊ या मुरादाबाद का जो डायलेक्ट है या मैनरिज्म्स को अपनाना, क्या गया उसमें अंदर, क्या चैलेंजिंग था इतना? एक्चुअली मैं आपसे सच कहूँगा, मुझे ये कैरेक्टर परफॉर्म करने में ज़्यादा आसानी हुई कंपैरेटिवली टू द मिल्खा कैरेक्टर. वो इस वजह से कि मेरे फादर जो हैं वो लखनऊ से हैं, घर में जब उनसे बातें होती हैं तो ज़्यादातर उर्दू में ही होती हैं, तो ये जो ज़बान है, मतलब थोड़ी बहुत डायलेक्ट अलग है, और जो एक फ्लेवर होता है जो वो थोड़ा बहुत अलग है मुरादाबाद में, लेकिन जो एक बेसिक ज़बान है वो ज़बान तो सेम ही है. तो आई वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल टू स्पीक द वे किशन मोहन गल्होत्रा स्पीक्स, उसमें मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं. चैलेंजिंग मेरे लिए था मिल्खा, क्योंकि वो एक पंजाबी डायलेक्ट था और मेरा पंजाबी से ज़्यादा कुछ नाता है नहीं, तो दैट वॉज वे मोर चैलेंजिंग इसमें, क्योंकि घर पर ज़्यादातर हम हिंदी में उर्दू में बात करते हैं,
तो उस वजह से मुझे काफी आसानी हुई टू गेट इनटू द स्किन ऑफ दिस कैरेक्टर. फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भाग मिल्खा भाग में बहुत हुआ था आपका, और अभी मैं जब आपसे लिफ्ट में पूछ ही रही थी कि आपको अपने खाने पीने का बहुत जो आपकी फिटनेस रिजीम है, काफी मेरे सहयोगी जानना चाह रहे थे, बड़ी स्ट्रिक्ट रही होगी आपकी. हाँ, मतलब ये बिल्कुल एक जाहिर बात है जो मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया था, ये कि मतलब तुम एक्सरसाइज इतना करते हो फिर भी जो रिजल्ट तुम चाहते हो वो दिखता क्यों नहीं है, कभी इसके बारे में सोचा है तुमने? तो मैंने कहा मतलब आई डू द बेस्ट दैट आई पॉसिबली कैन ऑफ कोर्स. तो ही सेड कि 20% जो आप जैसे आप दिखते हो उसका 20% to 30% मैक्सिमम एक्सरसाइज है, बाकी 70% है वॉट यू ईट. तो अगर आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी मतलब हेवीएस्ट टू हेवीएस्ट वेट उठा लें, कितने भी मील दौड़ लें, कुछ भी कर लें, अगर आपका डाइट सही नहीं है तो कुछ फर्क ज़्यादा पड़ने वाला है. बिल्कुल अच्छे लजीज खाने आप बिल्कुल खाते नहीं हैं. नहीं, मैं संडे को खाता हूँ. अच्छा, लजीज खाना. संडे इज द चीटिंग डे एज आई से. वेल, इट्स माय पर्सनल इंडिपेंडेंस डे एवरी संडे. अच्छा, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं इसमें. जो हम छोटे शहरों की बड़ी कहानियाँ, उस पर बार बार एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगी, क्या इन फिल्मों की कुछ रीच ज़्यादा है? क्या कुछ हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने, या हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक सिर्फ दौर से गुजर रही है जब हम छोटे शहरों को ज़्यादा केंद्रित कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है कि अब इनकी रीच ज़्यादा बढ़ रही है? किस तरह से ये सिर्फ एक ट्रेंड के तौर पर है जो आएगा भी आया है, जैसे आपने कहा पहले दिल्ली का था, फिर इंटरनेशनल लोकेशंस थी, और अब ये छोटे शहरों का है? इज इट एज सिंपल एज दैट? वेल, आई मीन इट इवेंचुअली, अगर आपकी कहानी अच्छी ना हो, वो किसी भी शहर में सेट हो, वो गांव में हो, छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो, फॉरेन के लोकेशन में हो, अगर आपकी कहानी अच्छी नहीं है तो वो फिल्म नहीं चलने वाली है. वो एक्चुअली, अगर किसी चीज़ से मतलब आपको इंस्पायर होना है या किसी चीज़ से मतलब कुछ जो कहते हैं दिलासा लेना है, वो ये है कि मतलब आप इस वक्त एक कंटेंट का दौर चल रहा है, और क्योंकि जब हम कंटेंट के बारे में सोचेंगे, अगर हम ये सोचें कि दूसरे देशों से हम कंटेंट लें या वहाँ क्या हो रहा है उसके बारे, वो हमारा हमारी कहानियाँ नहीं हैं. तो अगर हम कंटेंट पे फोकस करना चाहते हैं तो हम फिर अपने स्टोरीज़ पर, अपने इंस्पिरेशंस पर, अपने हीरोज पर, अपने इश्यूज पर फोकस हो रहे हैं इस वक्त. उसी चीज, उन्हीं चीज़ों पर फोकस हो रहा है, और इस वजह से शायद आप देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी फिल्में बन रही हैं जो हमारे लोगों के बारे में है, वो छोटे शहरों में हो, गांव में हो, कहीं भी हो, लेकिन सक्सेस उससे गारंटीड नहीं है. जी, क्योंकि आपको लगता है म्यूजिक में भी बदलाव आया? पहले हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत होता था म्यूजिक को लेकर, कि बाहर से धुन ले लेते थे और फिर गाने होते थे, और अब तमाम गाने ऐसे हैं जो हमारे लोकल फ्लेवर के, लोकल डायलेक्ट के. आपकी इस मूवी में ही जैसे थॉमस एडिसन का एक गाना जिसमें जिक्र किया गया है, तो मुझे सुन के वो गाना इसलिए अच्छा लगा क्योंकि थॉमस एडिसन को जिस डायलेक्ट में जैसे बोला गया है, वो हमारे गाँव का, रूरल इलाके का बच्चा ऐसे ही बोलेगा. तो उससे दो चीज़ें होती हैं हासिल की, एक तो जो हमारा ग्रामीण इलाके का बच्चा है उसकी हिचक दूर होती है कि मैं जैसे बोलता हूँ ठीक ही बोलता हूँ, और जो शहर का लड़का है वो भी उससे सेंसिटाइज होता है कि जो हमारे ग्रामीण भारत में अगर थॉमस एडिसन बोला जाएगा तो वैसे बोला जाएगा. हाँ, बिल्कुल. मगर ये तो फिल्म का कल्चर है. हाँ. और जिस तरह की जबान और डायलॉग है इस फिल्म में तो उसी तरह के गाने भी होंगे. हाँ. तो वो इसी को लेकर है. लेकिन संगीत के बारे में मतलब यही कहूँगा कि ये तो मेरा हमेशा से एक जो कहते हैं थोड़ी बहुत एक प्रॉब्लम रही है इन रीसेंट टाइम्स एटलीस्ट, वो ये है कि धीरे धीरे प्रोडक्शन गाने का प्रोडक्शन जो म्यूज़िक है, ऑर्केस्ट्रेशन है, वो लिरिक्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है या हो गया था. तो अगर आप किसी को बोलें कि पिछले साल के आप मुझे 10 गाने गा कर सुनाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ अच्छा गाओ लेकिन गा के सुनाओ, तो हाफ द टाइम लोगों को मतलब लिरिक्स ही याद नहीं रहते, क्योंकि लिरिक्स सुनाई में आते नहीं है जब आप गाना सुनते हैं. सिर्फ बीट्स आप सुनते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक अगर उसमें होगा वो सुनते हैं. तो बहुत कम ऐसे गाने हैं जिनमें कुछ ठहराव है, जहां लिरिसिस जो है, संगीतकार जो है, डायरेक्टर जो है उस फिल्म का, वो सब समझते हैं कि यार इस गाने को मतलब एक अच्छी तरह से हम पेश करें, कॉन्फिडेंस है हमें अपने गाने में, जो इस गाने का के बोल हैं, जो इसका मैसेज है, जो भी है इस गाने के बारे में, हम उसमें बिलीव करते हैं. सो लेट्स नॉट ट्राई एंड हाइड इट बिहाइंड वॉल्स एंड वॉल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड म्यूजिक. और हर चीज़ चालू होना ज़रूरी नहीं है. यू नो, मतलब ये कि हर फिल्म में एक चालू गाना होना ही चाहिए.
और एक डिस्को में बजना ही चाहिए हर फिल्म में गाना. कुछ फिल्मों में ऐसा हो सकता है बिकॉज द फिल्म अलाउज यू दैट, लेकिन बहुत सी फिल्मों में ऐसे गाने फोर्स किए जाते हैं क्योंकि लगता है कि अगर वो हिट हो गया तो फिल्म हिट हो जाएगी, और ऐसा होता ही नहीं. गाने हिट हो जाते हैं, फिल्म बेचारी रह जाती है. लखनऊ सेंट्रल का कोई गाना हम करना चाहेंगे. वंदा हमारी है प्रोड्यूसर यहाँ पर, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि कारवा फिल्म कारवा गाना है. मेरे कारवा मैं गाऊं? नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट मी बीइंग अ सिंगर. द फैक्ट इज दैट आई सिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स. मेरे कारवा इज, उसके लिए भी समय है लेकिन आप अगर क्या था यार वो ओ बंदिया ओ बंदिया तेरी मंजिले हुई गुमशुदा, फिर भी रास्ता है तेरा मेहरमा. ओ मेरे, देन इज वेरी लो विच आई कांट सिंग, बट एनीवे समथिंग लाइक दैट. ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. कोई और गाना अपनी इसी फिल्म का जो आप गाना चाहें? इसी फिल्म का कोई दूसरा गाना जी. There's a very sweet song which is that Teen Kabutar song. I don't know if you've heard it or not, but it's a very sweet song. So how does it go? Ek kabutar, do kabutar, teen kabutar. Ye kabutar isliye bolte hain kyunki jailer jo hai wo hum inmates ko kabutar bulata hai. Party karne lage hain sare chhat ke upar, do do ghoot gaye andar to gutar gutar kare dil ke woofer, gutar gutar kare dil ke woofer. Ek kabutar, do kabutar, teen kabutar. Lovely, lovely, lovely. आप इस फिल्म के पब्लिसिटी के सिलसिले में खैराबाद भी गए थे, आपका जो पैतृक गांव. नहीं, वो फिल्म के पब्लिसिटी के सिलसिले में नहीं था. आई डोंट थिंक वी शुड कंफ्यूज दैट. एक्चुअली मेरे फादर गए थे या दो या तीन साल पहले खैराबाद. तो जब से वो वापस आए थे वहाँ से, वो मुझसे कह रहे थे कि अगर तुम कभी लखनऊ जाओ तो प्लीज़ खैराबाद जाके विजिट करना. मतलब वहाँ हमारी जो एक्सटेंडेड एक फैमिली है, दे वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू. और एक जो हमारे पुरखों का घर है वो भी अब तक है वहाँ. माई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर्स ग्रेव इज ऑल्सो देयर. तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं. ही सेड यू शुड गो एंड एक्सपीरियंस इट, बिकॉज मुझे तो मतलब बहुत ही एक इमोशनल फीलिंग आई जब मैं गया था वहाँ. तो मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं कभी लखनऊ गया तो मैं जाऊँगा ज़रूर जी. और इस बार जब मैं आ रहा था तो आई जस्ट रिक्वेस्टेड प्रोडक्शन कि प्लीज़ बुक मी वन डे अर्ली, क्योंकि मैं वहाँ जाना चाहूँगा. सो दैट्स रियली हाउ इट हैपेंड जी. जब आप गए होंगे खैराबाद तो तस्वीरें छपी हैं आपके लिए, बहुत इंतज़ाम किए गए थे, लजीज खाना था, घर को शायद पेंट भी किया गया था फ्रेशली, मैं देख पढ़ रही थी. आपने तो उनको बहुत दिया क्योंकि जब आप गए सेल्फीज खींची थी, मैं देख रही थी तस्वीरें, बहुत खुश होगा आपका एक्सटेंडेड परिवार. आपको क्या हासिल हुआ वहाँ जाकर? यू नो, मैं सच कहूँगा कि अब तक मैं ठीक से उस इमोशन को समझ नहीं पाया हूँ. खुशी तो ऑफ कोर्स जाहिर है, मतलब बहुत हुई. एक जो एक अपनेपन की फीलिंग थी, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को मिल रहा था जो शायद मुझे मेरे काम के ज़रिए जानते हैं, लेकिन मैं तो कभी उन्हें मिला नहीं हूँ, मैंने कभी उनकी फ़ोटो भी नहीं देखी. मगर एक जो झलक होती है फैमिली की, यू नो, यू कैन सी दैट इन देयर आईज और इन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर फेस, इन देयर स्माइल, कि समबडी स्माइल इज़ लाइक सम कज़िन दैट आई नो. तो ये सारी चीज़ें थी. और फिर ऑफकोर्स मैं हम घर में गए, घर की मतलब थोड़ा बहुत जो है वो उन्होंने मुझे दिखाया. जो मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर थे मुस्तर खैराबादी साहब, तो उनका जो कमरा है वो अब तक वैसे ही रखा गया है. तो वहाँ देखे, उनका जो डेस्क था जहाँ वो लिखते थे, वी सॉ दैट. एक पीछे एक छोटा सा एक गार्डन है जिसके मतलब जो पेड़ हैं वहाँ पर कुछ 150-200 साल पुराने हैं, और कुछ तस्वीरें हैं उनकी इन दैट गार्डन. तो इट वाज अ वेरी अमेजिंगली इमोशनल एक्सपीरियंस. मैं बस जब वो मुझसे पूछ रहे थे क्या अब आप आओगे वापस, तो मैंने यही सोच रहा था, विच आई स्टिल फील, कि हर चीज़ के साथ मतलब जब एक दरवाज़ा खुल जाता है तो देन द आना जाना फिर शुरू हो जाता है. तो होपफुली आई विल गो बैक देयर अगेन सून. मेरी एक मुलाकात वहाँ से एक यंग आदमी से भी हुई जो वहाँ दो स्कूल चलाते हैं बच्चों के लिए. तो आई फाउंड द वर्क दैट ही वॉज डूइंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इट द एरिया सीम्स टू बी नॉट वेरी वेल ऑफ, यू नो, लाइक इन टर्म्स ऑफ द रोड्स, द इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट मैनी थिंग्स. तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ किड्स को, मुझे पता नहीं कितनी है,
तो उस चीज के बारे में मैं ज्यादा जानना चाहूंगा. तो मैंने उनका नंबर लिया है. Once I'm done with all this, I'll contact him for sure. जिस तरह से आप कह रहे थे मैं इमोशन वो वहां जाके क्या है मैं अभी तक उसको ढूंढ रहा हूँ, तो जब ऐसा समय में आप होते हैं तो कोई शेर में आप सोचते हैं, शेर व शायरी में सोचते हैं, कुछ शेर समय में प्रोज प्रोज में? अच्छा, ये प्रोज प्रोज की बातें. अच्छा, प्रोज प्रोज की बात. अच्छा ठीक है. विरासत में आपके पेरेंट्स लिरिसिस्ट लिखे, स्क्रीन राइटर्स वगैरह रहे हैं. एक तो विरासत आपके, लेकिन आपने डायरेक्शन भी किया, एक्टिंग में भी आए, तो ये झुकाव कैसे हुआ? या बचपन से आप देख ही रहे थे तो है मेरे में, कैसा था, कब, हाउ वाज इट? हाँ, बचपन से मुझे मतलब लोगों को एंटरटेन करने में बहुत मजा आता था. जब भी कोई गैदरिंग होती थी, वो फैमिली की हो या दोस्तों की हो, वो जो कहते हैं एक सेंटर ऑफ अटेंशन होना, टू क्रैक जोक्स एंड मेक पीपल लाफ, दैट वाज मी. तो कहीं ना कहीं मतलब जो मेरी फैमिली थी उन्हें शायद एक अंदाजा था कि मतलब इसका और कुछ हो नहीं सकता, ये फिल्म इंडस्ट्री में ही जाएगा बेचारा. तो ऐसा कुछ था, बट आई वॉज वेरी शाई ऑफ इट. मुझे पता नहीं क्यों, मतलब एक स्ट्रेंज सी एक एम्बेरसमेंट थी कि मैं लोगों को बताना नहीं चाहता था कि यार मुझे फिल्मों में काम करना है. तो आई वुड मेक अप एनी एक्सक्यूज, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ. और फाइनली जब मैं 1992 में ऐसा कुछ हुआ कि मैं कॉलेज, आई शुड हैव बीन गोइंग, लेकिन मैं जा नहीं रहा था कॉलेज. और माई मॉम, आई वॉज लिविंग विद माई मॉम एंड शी वॉज वेरी अपसेट, बहुत मतलब वो अपसेट थी कि मतलब ये कुछ कर ही नहीं रहा अपनी ज़िंदगी के साथ. तो मैंने कहा ठीक है, आई डोंट वॉन्ट गो टू कॉलेज, क्योंकि मैं कॉमर्स की डिग्री कर रहा था उस वक्त और मेरा कॉमर्स में मतलब इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स बाउंस ओवर माई हेड, लाइक आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ इट. में शायद एक गाने में है भी ये, कुछ झलकता भी है आपका ये, ये जो मैथ से आप भागते हैं. तो मैंने आई सेड आई विल गो एंड वर्क. तो मैंने एक कंपनी थी, प्रोडक्शन हाउस स्क्रिप्ट शॉप, तो मैं वहाँ एज एन असिस्टेंट आई स्टार्टेड वर्किंग. और वहाँ के जो मतलब मेरे बॉस थे, उनका नाम था अडी पोचा, तो ही रियली रियली इंस्टिल्ड सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस इन मी के मतलब तुम में एक मतलब है, जो भी टैलेंट है लेकिन है तुम में, उसे उस पर फोकस करो, एक डिसिप्लिन लाओ अपनी ज़िंदगी में. यू हैव आइडियाज़, राइट दम डाउन. सो एवरी थिंग आई फील दैट आई मैनेज टू डू, इट स्टार्टेड विथ दैट जेंटलमैन कमिंग. एक बार फिर से रीइन्फोर्स में चाह के करना चाहूँगी कि आप करें, सिंस यू आर अ यूथ आइकॉन. बिल्कुल, जो हमारे युवा हैं, आर कंट्री इज़ अ यंग कंट्री, क्या हमारे युवाओं को बोलेंगे आप इस समय अपने आप को, अगर वो स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं किस तरह से जीवन में आगे बढ़ने के लिए? हमेशा सफलता से नहीं तोला जाता, लेकिन जस्ट टू हैव परस्पेक्टिव ऑफ लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू, क्या आप उनको समझाएंगे? Well, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, कि सिर्फ एक सेंटेंस में या दो सेंटेंस में किसी को कहना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन बस यही है कि मेरा ये बिल्कुल मानना है कि हर इंसान के अंदर एक तो डेफिनेटली एक टैलेंट है जी. वो किसी भी एरिया में हो, लेकिन एक टैलेंट हर इंसान में है. अगर आप उसे फोकस करके थोड़ा बहुत पहचान सकें और फिर उस पर काम कर सकें, उसे डिसिप्लिन अपने आप में पैदा कर सकें, आई फील दैट मोर ऑफन देन नॉट यू विल एंड अप फाइंडिंग सक्सेस. टू व्हाट डिग्री आई डोंट नो, बट यू विल एंड अप फाइंडिंग सक्सेस. और एक मतलब देयर वाज अ वेरी फेमस सेइंग के फाइंड्स डू समथिंग दैट यू लव डूइंग एंड यू विल नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ. सो दैट्स बेसिकली एब्सोल्युटली लवली. आप डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, लिखते हैं, गाते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, सबसे ज़्यादा सुकून किस में मिलता है, कंफर्टेबल, और क्यों? सबसे ज़्यादा एक्चुअली मैं कहूँगा कि म्यूज़िक में. अच्छा. और म्यूजिक स्टूडियो में अगर म्यूज़िक हो, अगर मैं सिर्फ फिल्म डायरेक्ट भी कर रहा हूँ जब मैं शंकर एहसान लॉय के साथ स्टूडियो में होता हूँ, तो जस्ट बी इन दैट एनवायरमेंट ऑफ म्यूज़िक इज़ सो रिलैक्सिंग, थेरेप्यूटिक है. और उसके अलावा अपना जो मैं म्यूज़िक अब कर रहा हूँ, या फिर जब स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है और एक लाइव ऑडियंस के साथ, द पीस दैट यू फील दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फील इन एनी अदर प्लेस. आई थिंक देयर इज प्रोबेबली दैट. आपकी मूवीज में कौन सा कैरेक्टर है जिससे आप बहुत सबसे ज़्यादा करीब से आइडेंटिफाई करते हैं? सबसे ज़्यादा वो होगा इमरान फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वुड बी द क्लोजेस्ट. जब जोया और रीमा ने वो कहानी लिखी थी और वो किरदार लिखा था, तो मतलब वो बिल्कुल उन्होंने मेरे पर्सनैलिटी पे ही बेस किया था उस कैरेक्टर को.
और वो चाहते थे कि अगर कोई करे तो मैं ही करूँ. आई वॉज मोर देन हैप्पी क्योंकि उसके लिए कुछ रिसर्च और कुछ काम करने की जरूरत पड़ी नहीं. आपने बोला म्यूजिक सबसे करीब है आपके दिल के और सुकून महसूस करते हैं, तो कुछ हम कर दीजिए अपनी मूवीज का रॉक ऑन या व्हाट. एक्चुअली हम करने के अलावा अगर आप चाहें तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की बात हो रही है तो उसी से मैं एक पोएम आपको सुना देता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. एनी प्रेफरेंसेस ऑफ व्हिच पोएम. जिंदा हो तुम. ओके. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो. तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो. हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें. हर एक पल एक नया समा देखी है निगाहें. जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. दिलों में तुम बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब. लेकिन एक एक गाना तो बनता ही है. आप मतलब यू कैन नेवर बी हैप्पी विद एनीथिंग. जब तक तुम गाना नहीं गाओगे अब तुम यहाँ से जाने नहीं देंगे. वो गिटार भी गिटार ने भी साथ नहीं दिया फिर भी. तो चलिए वी विल डू द रॉक ऑन सॉन्ग देन मे बी. और अगर यू कैन ऑल जॉइन मी एज वेल. दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं. तुम ये समझो कि शायद मैं पागल हूँ. दिल करता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं. चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं. है ये वक्त का इशारा हर लम्हा पुकारा. यूं ही देखता है क्या तू. जिंदगी मिलेगी ना दोबारा. थैंक यू. उसका एक और गाना बहुत सुंदर है तुम हो तो. मैं गेस्ट कम और जूक बॉक्स ज्यादा लग रहा हूँ. आपका पसंदीदा में से एक गाने में से है शायद वो. आप हम करना चाहेंगे तो? जी वो भी गाए थोड़ा जी. ये सटल हिंट से काम नहीं चलेगा. सीधा ही बोल दीजिए आप. हाँ तुम हो तो गाता है दिल. तुम नहीं तो गीत कहाँ. तुम हो तो है सब हासिल. तुम नहीं तो क्या है यहाँ. तुम हो तो है सपनों के जैसा हसी. एक समा जो तुम हो तो ये लगता है कि मिल गई हर खुशी. जो तुम ना हो ये लगता है कि हर खुशी में है कमी. तुमको है मांगती ये जिंदगी. ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक सवाल और. जब एक इतनी विरासत मुझे लगातार कहा जा रहा है कुछ और सवाल बट ऑडियंस के पास जाना है. लेकिन मेरा एक सवाल कि जब आप इतनी अजीम विरासत के साथ हैं आपके परिवार में क्या आपको कभी डर लगता है या ये जो विरासत आप लेके आए हैं इस दुनिया में ये कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा देता है कि मैं कुछ अपनी लीक से भी हटकर कर सकता हूँ. क्योंकि कुछ लोगों में जहन में एक डर सा होता है कि इतनी बड़ी विरासत है मैं कुछ गलत ना कर जाऊँ. लेकिन आपने इतने सारे जॉनर्स में हर तरीके से आपने कैसा आत्मविश्वास बढ़ता है या डर लगता है. एक्चुअली मैं सच कहूँगा आपसे जो भी ये जो कह रही है कि नाकामयाब होने से डर नहीं है वो इस वजह से है शायद. विरासत के बारे में बात करूँ वो इस वजह से है शायद कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी भी या तो जोया को या मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं करवाया कि तुम्हें कुछ करना ही होगा या कुछ बनना ही होगा. बिल्कुल ऐसा कोई बोझ कि अब तुम इस नाम को आगे ले जाके बड़ा करके रोशन करोगे ऐसा कुछ कुछ नहीं था. वो कहते थे तुम्हें जो करना है करो मतलब खुशी खुशी करो जी. जो भी करना है
फिल्मों में काम करना है उसमें करो, अगर कुछ और करना है वो भी करो. तो एक उससे एक लिबरेशन हो जाती है, एक फ्रीडम हो जाता है. तो आप जो आप करते हैं फिर आप खुल के कर सकते हैं. आपको ये डर नहीं रहता कि मेरे पेरेंट्स क्या समझेंगे, वो क्या सोचेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा. और एक बेसिक जो एक एस्थेटिक सेंस है जोया में भी और मुझ में भी, वो उन्हीं से हमें मिली है जी. तो वो तो मतलब हमारे काम में झलकती है, दैट्स ऑलवेज देयर. लेकिन आई फील कि जो एक करेज मिला है दोनों को, मैं सिर्फ अपने आप के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो अब हमें अपने पेरेंट्स के नॉन इंटरफेरेंस से शायद जी मिला है. जी जी बिल्कुल. आपने एक मद करके एक ऑर्गेनाइजेशन, मैन अगेंस्ट रेप एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी है, डिस्क्रिमिनेशन. और आपने अपनी बेटियों को भी एक खत लिखा जब आपकी बेटी 16 साल की हो गई. फिर आपने वाटर कंजर्वेशन के लिए भी आप काम कर रहे हैं. तो इस समय फरहान क्या जीवन के इस पड़ाव में हैं कि अब फिल्में तो हैं लेकिन मेरी बेटियाँ भी हैं और जो समाज के बारे में भी अब दायित्व की तरफ आप बढ़ रहे हैं? हाँ, मुझे मतलब मर्द इनिशिएटिव जो है अभी उसे 4 साल हो चुके हैं. ये जो वाटर कंजर्वेशन की इशू है, मतलब इससे थोड़ी बहुत मतलब पहले भी एक थोड़ा बहुत काम किया था मैंने. इस साल ज़्यादा हो रहा है मिशन ब्लू के साथ. लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हम जो काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ आपका काम बहुत पब्लिक हो, पब्लिक आपको पहचानती हो, आप काम को पसंद करती हो, और थोड़ा बहुत मतलब अगर आप कुछ कहें तो उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता है, लोग अगर अग्री करें या ना करें वो अलग बात है. लेकिन तो मुझे हमेशा लगता है कि हमारा काम ऑफकोर्स लोगों को फिल्मों के ज़रिए एंटरटेन करना, एंगेज करना तो है ही, बट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम कैन नॉट ओनली बी दैट. Yeah. You know, I don't feel, for the amount of love that I get, for the amount of support that I get, my responsibility cannot be only to entertain them. It has to be more. Absolutely. And it has to be also true to who I am. I don't want to fake a love for a cause that I actually, maybe I'm not that into. Gender equality is a big deal for me. I've grown up with a single mother. I've grown up with a family predominant, just my sister and my single mother. I've seen things at times, basic things that they may have had to go through just because they're women, you know, or girls. And I don't want that to happen to anybody, you know, not my daughters, not to anybody. It should not happen. And so that to me is very, very dear. Aur mujhe matlab taajub hota hai ki matlab 2017 mein hum baithe hain aur itni sari cheeze ho gayi hai, matlab log सैटर्न तक पहुंच गए, मून पे हमने एक चीज़ भेज दिया है, छोटा सा छोटा पार्टिकल हम खोज निकालते हैं, हर चीज़ हम कर, डिजीजेस के क्योर हो जाते हैं, मगर एक दूसरे को एक बराबरी के साथ ट्रीट करना मतलब अब तक लोगों को मुश्किल हो रहा है. आई फाइंड दैट अनबिलीवेबल. तो दैट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. और ऑफकोर्स वाटर इज समथिंग अगेन, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, खासतौर से मतलब महाराष्ट्र में तो पानी को लेकर बहुत ही बड़ा इशू है. मतलब जो फार्मर सुसाइड्स होते हैं, द मैक्सिमम नंबर हैपन इन महाराष्ट्र. So it is something for all of us to be concerned about. Bilkul. And I do try whatever I can, of course, to be of help. Amazing. Ab sawal, yes, please mic dijiye. Ab mere audience puchhenge aapse sawal. Yahan pe. Yeah, thank you, Farhan. Thank you so very much for being here. And I work with lots of students. I'm a student consultant, placement consultant rather. And I always quote your poem, Jinda Ho Tum. Because I always believe that dream is the most important commitment for success. So, main hamesha bachcho ke saath discuss karta hu. Dusra, I mean, success ke liye, jaise today is youth for nation is what we are talking about today. Ye youth generation hai. India is a young generation and you are a youth icon. So, ek personal culture follow karte hai aap. Industry ka culture hai, but ek personal culture bhi hai. So, you have a personal culture. So, and for that personal culture, you really worked hard behind the scene for your music, for the direction as an artist. So, what message through that personal culture, like you have come up with the discipline and all, you want to pass on to the youth today? Well, I think the only thing that I have to say about this is, please allow your work to speak for you. I think that's all that it is. That's it. You know, I mean, you can go around and promote yourself as much as you want, but if your work is not good, nobody cares.
You know, so, and you will be remembered for your work. You won't be remembered for the kind of clothes you wore or the hairstyle that you had. You know, you'll be remembered for your for the work you do, and that's all. So just focus on your work. I think it's just to be passionate. You know, when you're talking about success, I think success is important, of course. You know, as a personal goal, if you can achieve it, it's a wonderful thing. But I think what is also equally important to balance that is happiness, is personal happiness and fulfillment of one's life. And you should not lose sight of that in the pursuit of success. It cannot be just, you cannot live such a unidimensional life. So everything that excites you to do, you must do it. You know, I feel time is such a flexible thing. If you want to do something, no matter how busy you are, you will find the time to do it. And if you don't want to do something, no matter how free you're sitting at home, you will never make the time to do it. You know, so please invest in yourself, in things that make you happy. When you are happy, when you are content, when you feel that you're living a fulfilled life, you will actually be able to focus more on those goals that will help you achieve success. A question from there. Chota question, Rakhega. Farhan, my name is Anupam. I just wanted to find out, since you're working for water conservation, what are three things that you would like to say to the youth today as far as water conservation is concerned? You know, the thing that we were doing, which were basically, it was called Mission Blue. It still is around. It's on the internet, and a lot of people in the millions now are signing up for it. And it talks about basic things that you as a consumer at home can do. The simple things of how often do you wash your car? You know, why do you feel the need that your car must be washed every single day? You know, maybe you wash it once a week, at the most twice a week. So that was the simple things like that, you know, about making sure that when you pour a glass of water, you either finish the water or then don't pour an entire glass of water. There's no reason. I think ye to unhone mujhe sikhaya. Ji. Jo meri badi beti, unhone mujhe sikhaya. I had, maine thoda bahut pani piya aur rakha. She said, aren't you going to finish it? So I said, I'm fine. She said, but then why did you take so much? Absolutely. You know, so there are few things like that. It's all on the website, you know, which you can go to. It's missionblue.in. Please go. And if you can also recommend that to other people to see. Or usse aapko pata chalta hai ki aapki water footprint kya hai. Aur aap us water footprint ko kam kaise kar sakte hain. Aur jab wo water footprint kam hoti hai to kitna bachta hai. And water is something that never goes to waste. Agar aap use nahi kar rahe hain to koi aur definitely will benefit from it. Yeah. So it talks about all of that. Yes. Yeah. A question from the other side. Yeah. Hi, I'm Shivangi. This is a request. Can I ask you for any dialogue, any song which is close to your heart? Any dialogue or any song? Any line. That is close to my heart. It's close to your heart. Okay. Well, I mean, songs that are close to my heart, so she made me sing the entire list. Any dialogue that is close to my heart. I don't know if there's anything you can suggest because all dialogues that I speak are close to my heart actually. So. From Rock On or Zindagi Na Milegi? From Rock On or Zindagi Na Milegi Dobara. Zindagi Na Milegi Dobara. Bhagme ka bhagme, the closest to my heart is Aho. Short and sweet. I think possibly Milkha Singh, ye tumhare zindagi ki aakhri race sabit ho sakti hai. And he goes, daudunga bhi waise hi. I think that one. Talia. But last question. Yeah. Hi, Farhan. I'm Atul. Okay, मैं बड़ा फैन नहीं हूँ मूवीज़ का पर भाग बिग उस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं और मैं हमेशा सोचता था कि जब एक मूवी में इतनी मेहनत कर रहे थे आपने फिजिक चेंज की मैंने देखा और जो पर्टिकुलर नुएंसेस थे जो मिल्खा सिंह हल्का सा हाथ झटकते थे जो सिर का एंगल था जो क्रिकेट में हम करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं वो क्रिकेटर्स दूसरे की कॉपी कर सकते हैं पर एक नॉन एथलीट ने जितनी तरह से बारीकी से आपने किया और उस समय आपको पता नहीं था इतनी बड़ी सक्सेस होगी और जब वो इवेंचुअली वो हार्ड वर्क जब सक्सेस में कन्वर्ट होता है इट मस्ट बी अ ट्रेमेंडस फीलिंग या इट रियली रियली वाज आई मीन नॉट रियली ओनली फॉर माय सेल्फ आई थिंक ट्रूली फॉर मिल्खा जी एंड फॉर हिज फैमिली क्योंकि ही रियली इज एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी स्पोर्ट्स पीपल मुझे याद है जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी उस फिल्म की तो मुंबई में एक ग्राउंड है प्रियदर्शनी पार्क हम वहाँ ट्रेन कर रहे थे तो मेरी मुलाकात पहली बार उनसे वहीं हुई थी वो ट्रैक पे आए थे इन हिज जो ट्रैक सूट
और ये मैं मिला उनसे तो मैंने कहा सर हाउ गुड टू मीट यू, ये तक चलो दौड़ते बात करते हैं, इट वॉज वंडरफुल. तो वी आर डूइंग अ 400 मीटर रन हिम एंड मी टुगेदर, और वो मुझसे बात करो. सारे जो वहाँ पर एक एथलीट्स थे, वेस्टर्न जोन के जो रनर्स हैं, वेस्टर्न रेलवेज के जो रनर हैं, जो एक अलग अलग टीम के रनर जो वहाँ पर आके सुबह में प्रैक्टिस करते हैं, दे वर ऑल सो एक्साइटेड टू सी हिम. दे केम अप टू हिम, दे टच्ड हिज फीट, ही ब्लेस्ड ऑल ऑफ देम, आस्क्ड देम व्हाट डिसिप्लिन दे डू, एंड यू कुड सी व्हाट ही मीन्स टू दिस पीपल. बट एट द सेम टाइम, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही इज सच अ ग्रेट एथलीट, नोबडी न्यू हिज स्टोरी. मतलब जब राकेश मेहरा ने मुझे कहा कि पार्टीशन में ऐसा हुआ था, वो वहाँ से आए, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था. मैं सिर्फ जानता था कि मिल्खा सिंह मतलब ट्रेन करते रहो, दैट्स व्हाट आई न्यू. सो द सक्सेस ऑफ इट रियली इज अमेजिंग फॉर हिम एंड आई थिंक फॉर हिज फैमिली. देयर वाज अ स्टोरी दैट नीडेड टू बी टोल्ड, इट्स इंस्पायर्ड सो मेनी यंग पीपल. आई एम जस्ट वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वॉज द कॉन्ड्यूट थ्रू विच द फिल्म कुड बी, द स्टोरी कुड बी टोल्ड. तो अब मुझे कहा जा रहा है समाप्त करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया फरहान, और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आगे थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कमिंग, टेकिंग अप टाइम.